Hey guys, assalamualaikum. I am Sana and welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक पार्सल शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने परचेज किया है अंदाज ऑनलाइन स्टोर से. और इसका जो है क्या मैंने परचेज किया है उसका रिजल्ट वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी और कितने दिनों में मुझे रिसीव हुआ है, इसके प्राइस क्या हैं और कैसे आप लोग परचेज कर सकते हो, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना. तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये मैंने ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम से और इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था और इसमें मैंने अंदाज ऑनलाइन स्टोर देखा था, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था. फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया है और मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहती थी कि कैसा है, कैसा मतलब कपड़ा फैब्रिक वगैरह कैसा है. एक्चुअली ये ड्रेस है तो बहुत ही जल्दी मुझे रिसीव हुआ, विथ इन 24 आवर्स के अंदर ये मुझे रिसीव हो गया. और इस तरीके की कुछ पैकिंग में अवेलेबल था और इसके प्राइस हैं 6150. टोटल इसके प्राइस हैं 5950, लेकिन 200 इसके डिलीवरी चार्जेस हैं. तो सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी का मुझे ये परचेज हुआ है, रिसीव हुआ है. इसकी पिक मैंने देखी थी कुछ इस तरीके की, अंदाज के स्टोर की थी और पिक मैंने देखी थी ये वाली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. इसके जो इंस्टाग्राम पे पेज है, इंस्टाग्राम पे है, वहाँ पे अगर आप इसके पेज को फॉलो करोगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड होगी. एक एक जो है फैब्रिक की वीडियो वहाँ पे बनाई जाती है और उसका रिजल्ट, टेक्सचर कैसे, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि यार यही चीज़ आएगी, बिल्कुल जो दिखा रहे हैं वही. क्योंकि पिक्स में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि पिक्स में एडिटिंग भी होती है और 3D रिज़ल्ट होता है, तो पिक्स बहुत ही अच्छी लगती हैं और फैब्रिक डिस्क्राइब नहीं कर पाती. जब वीडियोस में आती है बात तो वीडियो के अंदर आपको पूरा फैब्रिक नज़र आता है कि वो फैब्रिक किस मटेरियल का है, इवन इस पर जो वर्क हुआ है वो भी आपको समझ आ जाता है वीडियो के अंदर. तो अंदाज ऑनलाइन स्टोर है इंस्टाग्राम पे और उस पर आप जाएँ, कुछ इस तरीके का स्टोर है, आप उस पर जाएँ, आप उसको ओपन करें और उसको फॉलो करें अगर आप अच्छे अच्छे ड्रेस लेना चाहते हैं. और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, अंदाज वालों ने मुझे बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं किया, मेरी ओन परचेजिंग है, मैंने खुद परचेज़ किया है. जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैं भी चाहती हूँ आप कोई अच्छी चीज़ लें घर बैठे जो आपको ईजिली मिल जाए, क्योंकि मार्केट में जाओ और चीज़ें ढूंढो, पहले घूमो फिरो, फिर उसमें से पसंद करो और देन सेलेक्ट करके लो, बहुत टाइम लग जाता है. कुछ एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको जल्दी में चाहिए होती हैं. अगर आप ख़ुद कोई चीज़ स्टिच, कपड़े स्टिच कर सकते हो ना, तो आपने समझ लो अंदाज से ऑनलाइन मंगवा लिया, 24 आवर्स के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी और सब चीज़ें कंप्लीट होंगी. फिर जस्ट फिर आपने क्या करना है, स्टिच करना है. स्टिच आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी करते हो, 2 दिन के अंदर आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा. तो बात ही नहीं करते, इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका फैब्रिक देखते हैं, इसका टेक्सचर देखते हैं और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखते हैं. तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये अवेलेबल है, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है. इसके साथ एक कार्ड भी दिया जाएगा आपको अंदाज स्टोर का, इस तरीके का कार्ड होगा. तो लाइटें बहुत हो गई थी, मैंने लाइट को बंद कर दिया ताकि आपको ड्रेस सही से नज़र आए. लाइट में भी दिखा दूंगी, विदाउट लाइट के भी दिखा दूंगी, ठीक है. तो इस तरीके का ये ड्रेस है, इसके साथ ही पिक रखेंगे तभी समझ आएगी हमें. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके दुपट्टे की, दुपट्टे की बात करें नहीं यार, पहले शर्ट की बात करते हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको शर्ट दिखाऊंगी. इस तरीके की मरून कलर की इसकी शर्ट है, बहुत पसंद है क्योंकि गोल्डन गोल्डन मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ. ये मेहंदी कॉपर टाइप से टच है जो कि मुझे परचेज करना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अब इस तरीके की है, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि मैंने इसको किस तरह स्टिच करना है, जिस तरह नॉर्मल उसका बना हुआ है
ये आ गया नेक और यहाँ पे बटन पट्टी आ जाएगी, यहाँ पे जो भी टैसल्स वगैरह है वो मैं अप्लाई कर लूँगी। और जो दामन का जो सेशन है उसके लिए अलग से फ्रंट एंड बैक के लिए ये सेपरेट जो है ये पट्टी दी गई है जिसको आपने लगवा लेना है, ठीक है। इस तरीके से पट्टी दी गई है, अगर इस पट्टी पे देखोगे ना आप, इस पर फुल वर्क हुआ हुआ है और इसके ऊपर ना छोटे छोटे से बॉल्स भी लगे गए हैं। एक और पेज पे मैंने देखा था उसके प्राइस कम थे, लेकिन उसका भी मैं साथ साथ डिफरेंस बताती जाऊंगी कि उसमें क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। उसमें जो ये बॉल्स थे ना, इसमें मैंने 6000 का परचेज़ किया, उसमें उस वाले पेज पे 4000 समथिंग का था और उसमें ये एक बॉल था, दामन की बात कर रही हूँ, एक नहीं था, ठीक है। इस तरीके की पट्टी है और उसकी जो शर्ट का जो नेक था, ये गला जो था सेपरेट दिया गया था एम्ब्रॉयडर्ड, वो आपको खुद लगवाना था, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर लगा हुआ मिला है। अब आते हैं इसके बैक के ऊपर, बैक भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड बैक है, बैक के ऊपर भी सेम बंच आ जाएगा, इस तरीके का बैक है। और स्लीव्स के ऊपर आते हैं, इसकी इस तरीके की कुछ स्लीव्स हैं, इस तरीके की स्लीव्स के ऊपर चाक दामन पे मैं पाइपिंग टैप लगा लूँगी, सिल्क की पाइपिंग, इस कलर की सिल्क की पाइपिंग लगाऊंगी चाक दामन पे और स्लीव से भी मैं लगा लूँगी। इसके साथ ही इसका ट्राउज़र है जो कि है मलाई कपड़ा, और इसका जो इनर जो नीचे दिया हुआ है शमीज़ के साथ जो अटैच होगा वो आपका इसका सिल्क में दिया गया है, मतलब सिल्क वो वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब शाइनी मुझे बहुत पसंद नहीं, नॉर्मल बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है। अब बात है इसके दुपट्टे पे, जो कि बिल्कुल कंप्लीट रेडी दुपट्टा दिया है इन्होंने, इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। ये है इसका पल्लू जिसके ऊपर ये चीज़ फिक्स हुई हुई है, और इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉल्स हैं वो सारे लगे हुए हैं इस टाइप के, इस तरफ के हैं और दो साइड पे इस टाइप से गैप से लगे हुए हैं, चारों साइड पे बॉल्स लगे हुए हैं। दुपट्टा बिल्कुल रेडी है, उसकी उल्टी साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पट्टी भी लगा के दी गई है, सिल्क की पट्टी है, जो कि दूसरा पेज था उस पर ये पट्टी वगैरह और दो साइड पे थे उसमें भी सेम, एक तरफ था एक तरफ नहीं था, और दो साइड पे लगे हुए थे इस तरह के बॉल्स और ये पट्टी वगैरह, ये वाले बॉल्स नहीं थे उसमें, नेट का दुपट्टा है। तो ये है अंदाज स्टोर की शॉपिंग, और डिटेल में मैं उनकी तरह डिटेल में बता नहीं सकती किस तरीके से, बट मैंने अपना कोशिश की है, जो मैंने परचेज़ की जो मुझे लगा है मैंने वो बता दिया। क्रिंकल का क्रिंकल शफून है उसका ये कपड़ा है, फैब्रिक है जो शर्ट है, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट था टोटल, ये मैंने शॉपिंग की, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी मैंने और पिक्स भी देखी है, मैं और भी इंशाल्लाह परचेजिंग करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिलहाल ये फर्स्ट टाइम की परचेजिंग थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।